जनपद मैनपुरी के बेवर ब्लॉक के ग्राम मल्लामई के प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार पाल ने प्राथमिक विद्यालयों को और अच्छा करने के लिए एक आवश्यक बैठक अपनी ग्राम सभा के सभी प्रधानाचार्यों के साथ की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम मल्लामई के सभी विद्यालय स्वच्छ और साफ, सभी बाउंड्री के ऊपर वॉल पेंटिंग तथा कमरों के अंदर बच्चों के पढ़ने हेतु कुछ आवश्यक चित्र तथा जिन विद्यालयों के कमरों में प्लास्टर नहीं है उनको प्लास्टर कराकर ठीक कराना आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। हर वर्ष विद्यालयों को ठीक करने के लिए सरकार हर वर्ष रुपया भेजती है लेकिन विद्यालय में कुछ भी काम नहीं करा बल्कि उसको निकाल देते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार पाल ने सभी से बैठक की जिसमें जैनेन्द्र कुमार प्राथमिक विद्यालय कमलपुर, प्रमोद सिंह प्राथमिक विद्यालय मल्लामई बैठक में मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा राम अवतार गुप्ता प्राथमिक विद्यालय लालापुर, मीरा देवी जूनियर हाई स्कूल लालापुर, सरता राठौर प्राथमिक विद्यालय अमरपुर, जगमाया देवी प्राथमिक विद्यालय नगला टाकन ने मीटिंग को आवश्यक न समझते हुए मौके पर मौजूद नहीं रहे। कुछ प्रधानाचार्यों से जब फोन से बात की गई तो उन्होंने आनाकानी करते हुए मीटिंग को टाल दिया। बताइए, आज बैठक आपने की है किस संबंध में और क्या उद्देश्य है आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि ग्राम सभा में जितने भी विद्यालय हैं इनकी शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्ता, स्वच्छता की अच्छे ढंग से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने एक मीटिंग की थी। इसमें हमने सभी हेड मास्टरों व सहायक अध्यापकों को बुलाया था। इसमें कुछ ही लोग आए, इनको जो है कुछ महत्वपूर्ण उन्होंने नहीं समझा और हम इस पर मीटिंग करना चाह रहे थे कि जितने भी विद्यालय हैं इनकी डेंटिंग पेंटिंग और बाल पेंटिंग और भी बहुत सी सारी चीज़ों पे बैठ के मीटिंग होती, इन सब चीज़ों के लिए हमने आज एक मीटिंग रखी थी तो कुछ लोग नहीं आए। मैं सुनील प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा मल्लामई। क्या कौन कौन आए और क्या आवश्यक निर्देश दिए गए? आवश्यक निर्देश ये है कि जितने अभी सत्र चालू होने वाला है शिक्षा सत्र, इसमें सभी लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए सभी लोगों को बुलाया गया और इन पे बालकों को जो भी बैठने की और भवन निर्माण संबंधी और भी काफ़ी चीज़ों के लिए बुलाया, इसीलिए बुलाया गया क्योंकि इस पे विचार हो सके और शिक्षा व्यवस्था की कमी में जो है वो दूर किया जा सके। स्कूल की जो व्यवस्थाएं में कमी है उनको चुस्त दुरुस्त करके और इनको बढ़िया ढंग से हम चलाने का प्रयास हम लोग मिलके करेंगे, ये हमारा ये संदेश है। प्रधान प्रतिनिधि बोल रहे हैं, आपको आज सूचना नहीं दी गई थी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय कमलपुर में बुलाने के लिए? आपको मीटिंग थी आज प्राथमिक विद्यालय कमलपुर में, तो आप आए क्यों नहीं? आज सूचना नहीं थी क्या आपके पास? सूचना का हम ये नहीं यहाँ पर, वैसे नहीं यहाँ पर। तो ये तो कोई बात नहीं रही, अब आपको मास्टर साहब ने बताया होगा और भी लोग और टीचर लोगों को बता दिया गया, उसके बावजूद भी आप नहीं आए। चलो ठीक। इनका मुख्य उद्देश्य था कि 1 जुलाई से विद्यालय खुलने वाले हैं, जो विद्यालय की कमियां हैं डेंटिंग पेंटिंग है, फर्नीचर है और सारी जो पेयजल से व्यवस्था है तो उनसे विद्यालय खुलने से पूर्ण कर ले जाए। विद्यालय तो अभी आएंगे नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे ओनली अध्यापक बुलाए गए हैं तो सारी व्यवस्थाएँ पूर्ण कर लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। क्या नाम है आपका? मेरा जैनेन्द्र।